हेलो एवरीवन, वेलकम MCX बुलियन टीचर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, निर्मला सीतारमण जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है उसके संबंध में क्या क्या बातें उन्होंने बताई है, किस किस चीज़ पर छूट दी है, उसी संबंध में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 13 मई यानी आज के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन से बुरी तरह लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में बुधवार यानी आज के दिन विस्तार से यह जानकारी दी, जो इस प्रकार से है। चलिए हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने किस किस चीज़ पर पैकेज की घोषणा की है। पैकेज के पहले चरण के तहत लगभग 6 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई, जिसकी मुख्य जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जो इस प्रकार से है। लघु एवं मझोले उद्यम समेत छोटी इकाइयों को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा, इसमें 45 लाख छोटी इकाइयों को लाभ होगा। जी हां दोस्तों, यह कर्ज 4 साल के लिए उन्होंने देने का ऐलान किया है यानी जारी किया है, और पहले 12 महीने तक मूल राशि के भुगतान से राहत दी जाएगी। कर्ज नहीं चुका पा रही MSME इकाई के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी, जिसमें इसमें 2 लाख इकाई को लाभ होगा। दोस्तों फंड ऑफ फंड के जरिए वृद्धि की क्षमता रखने वाले MSME में 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डाली जाएगी। MSME की परिभाषा बदली गई है, इसके तहत अब 1 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाई या सूक्ष्म इकाई, 10 करोड़ रुपए के निवेश वाली लघु तथा 20 करोड़ रुपए के निवेश वाली मझोले उद्यम कहलाएंगे। अब तक यह सीमा क्रमशः 25 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए थी। साथ ही MSME की परिभाषा के लिए सालाना कारोबार आधारित मापदंड बनाया गया है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली इकाई सूक्ष्म इकाई, 50 करोड़ रुपए के कारोबार वाली लघु तथा 100 करोड़ रुपए के कारोबार वाली मझोले इकाई कहलाएगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के विशेष नकदी योजना की घोषणा। NBFC आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपए के आंशिक ऋण की गारंटी। योजना 2.0 का ऐलान। आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 की गई। वेतन को छोड़ अन्य सभी तरह के भुगतान के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिए 25% की कटौती की गई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि देखा मैंने आपको इसमें काफ़ी जानकारी दी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और भी विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। 100 से कम कर्मचारी वाले कंपनी को कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान से राहत की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। सभी कंपनियों के लिए EPF में कर्मचारियों के मूल वेतन के 12% के बराबर सर्वाधिक योगदान करने की जगह इसे 10% करने की छूट दी गई। दोस्तों निर्माण क्षेत्र को राहत। सभी सरकारी एजेंसियां सभी ठेकेदारों को निर्माण और वस्तु एवं सेवा अनुबंधों को पूरा करने के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। रियल एस्टेट क्षेत्र के डेवलपरों को भी इन परियोजना के पंजीकरण और उन्हें पूरा करने की समय सीमा 6 माह बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों ये था आर्थिक पैकेज के पहले चरण की घोषणा की मुख्य बातें। तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।